गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1 दिसंबर को होने वाले मतदान के बाद 3 दिसंबर को गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाड़ी संकाय परिसर में मतगणना होनी है। मतगणना के लिए कुल 14 टेबल बनाए गए हैं जिस पर क्रमवार मतगणना की जाएगी, जिसको लेकर मंडलायुक्त व रिटर्निंग ऑफिसर जयंत नालिकर ने शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान DIG राजेश डी मोडक, जिलाधिकारी KVN पांडियन, SSP योगेंद्र कुमार, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, SP सिटी डॉक्टर कौस्तुभ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने मतगणना काउंटर बनाने, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था सुदृढ़ करने, COVID-19 प्रोटोकॉल के तहत मतगणना की टेबल लगाए जाने सहित अन्य व्यवस्थाओं की तहकीकात की और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया, जिससे मतगणना को सकुशल संपन्न कराया जा सके। मंडलायुक्त ने कहा कि मतगणना में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए तथा सभी कार्मिकों को मास्क लगाना अनिवार्य है। और उनके सामने काउंटिंग टेबल पर एक लाश को एक्सक्लूड करते हुए वो कमिश्नर सामने का मेरे सामने उनके सामने ये टेबल सारी काउंटिंग कह रहा हूँ 14 टेबल है ना। जी जी वो तो है, टेबल वाइज तो काउंटिंग होगा नहीं, उनसे सिर्फ डब्बे खुल के सारे बोल यहाँ आएंगे, कैंडिडेट वाइज 16 गड्डियाँ बनेंगी और एक एक करके एलिमिनेट होते जाएंगे लास्ट वाइज, उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड के प्रेफरेंस ले लेके ए और बी या जो कैंडिडेट है उसमें बांटते हैं। टेबल वाइज आपको विनती करना पड़ता है, कोई फार्मर नहीं होता है, चुनाव भी मैनुअल करते हैं, वो टेबल वाइज विनती होता है, वो यहाँ आके और दूसरे 362 के 612 के ये सब मिक्स होंगे बक्से में, फिर एक उसमें से एक से लेकर 16 ऑफ जो यहाँ पर रहेंगे वो एक एक वाले को ट्रांसफर करते रहेंगे, तो बढ़ाएंगे इधर फर्स्ट प्रेफरेंस बॉक्स बनाए क्या 16 वो डब्बा उसका, हाँ 16 डब्बा वाले अपने अपना ग्रुप का लेके बैठे, जैसे एक नंबर मैं लेके बैठा हूँ तो सारे एक नंबर को रेफरेंस वाले मुझे ले लें, तो मैं अपनी गड्डी में एक नंबर ले लूँगा। जब इस फर्स्ट राउंड के बाद पता चला कि सबसे सबके इकट्ठा होती रहेगी काउंटिंग के बाद, जब लास्ट में सबसे छोटी गड्डी होगी उसमें से ABC जो लीडिंग कैंडिडेट्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे और ABC के हिसाब से उसे नहीं जाएंगे। जब आप ट्रांसफर करते हैं जब तक इलेक्टर कोटा नहीं मिलेगा उसको आप डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, अब उसमें आप नीचे का एलिमिनेट करेंगे, जब एलिमिनेट करेंगे तो बार बार कोशिश करेगा ये क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं। अच्छा पढ़ा देंगे या जैसे आजमगढ़ में 3 पुलिस स्टेशन हैं ये हो सकता है, क्योंकि क्या करेंगे डीओ साहब बाकी जिलों के तो शायद पार्टियां सीधे आ जाएंगे अपने आप, ये आप इकट्ठा कर रहे हो सर बस में आके कले करें, बाकी लोग तो हमें लगता है इकट्ठे आएंगे, वो लोग इकट्ठे आएंगे तो सपोज आपके 17 जनपद हैं तो आप मान के चलिए कि 22-25 बसेज आ रहे हैं, उसके साथ पुलिस स्क्वाड भी जरूर आएगी, वो आएंगे तो अब आपको वहाँ पर लगना है और ये शाम के 7 बजे से, मैं 1 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, शाम के 6 बजे से ये चलेगा सुबह 4 बजे तक, 3-4 बजे तक। बहराइच कितना घंटा है? 9-8 बहराइच में 4-5 घंटे का है, नहीं 2 बजे तक, 2 बजे तक, लेकिन हम 2 घंटे का और वो रखे हैं मान लीजिए, तो अब ये समझ लीजिए कि शाम के 6 बजे से अगले दिन जब तक नहीं आ जाता है हमें तैयारी करनी चाहिए सुबह 6 बजे तक, ये आप वहाँ पर ऐसा ट्रैफिक का फर्स्ट तो होना चाहिए, देखिए आपकी भीड़ ज़्यादा नहीं है
सिर्फ उनको मार्गदर्शन दे दे कि भाई ये बस इधर खड़ी कर दीजिए, पुलिस स्क्वाड इधर खड़े हो जाएगी, बाकी ये लोग इधर आपसे हम लेते हैं। कभी मैं वो एक सिस्टम कर लीजिए कि क्योंकि आपकी भीड़ ज़्यादा होनी नहीं, तो बड़े आराम से किया जा सकता है। पहले दो पंक्चर रख लीजिए, उसमें आपको कुछ अच्छे लड़के देने होंगे, जैसे जो बैलेट बॉक्स है कैसे करें वो मैंने DPRO को जो है 10 लोग आगे नहीं कोई देखे सफाई का हम लोग अपने आप किसी लगा रहे तो नहीं, तो फिर बहुत बड़ी गाड़ी थी। हाँ एक आदमी सर पुराने सुनने अपने सामान भी लेके आना है, ताकि वो बैलेट वहाँ से पूरी की समस्या है। 1000 नहीं, मैक्सिमम 719 है, तो 500 से ज़्यादा बोर्ड कहीं डिस्ट्रिक्ट में ऐसा जो अलग अलग है, मान लीजिए आजमगढ़ में कोई दबदबा अगर किसी का क्योंकि एरिया बहुत विस्तृत है ना, वो काम हो गई दो फिर भी सर रिजर्व वाले के भी लगा देते हैं, रिजर्व वाले के भी जमा हो जाएगा। बेसिकली काउंटिंग कॉल आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, उस गेम से शुरू हो रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ से इस साइड काउंटिंग कॉल है। जितने अलाउड लोग हैं वही मिल रहे हैं, कोई यार लेके नहीं आ रहा, कोई अंदर प्रॉब्लम इसमें सिर्फ तीन आदमी बैठते सर, एक लेफ्ट एक राइट और एक बैक, सुपरवाइजर पीछे बैठेगा उसे वो देखेगा, दो आदमी रहेंगे बाकी सोशल डिस्टेंस ये सही रहे। चेयर लगा दो जो ये सही है, उठाइए मत चलती देख तो आपका कुर्सी के चारों बैठी थी कैसे चल पा नहीं चलिए अंदर आते हैं चलिए टेबल पर बैठेंगे क्यों